हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर बड़ा सा थाल पोस का डिजाइन लाई हूँ इसे मैं दूसरे कलर से भी बुन सकती हैं इसे मैं व्हाइट और टुपलाईकून से बुनी हूँ तो देखिए फ्रेंड्स इसे आप थाल पोस भी बना सकती हैं इस पैटर्न पर पे मैं गेट पर्दा भी बनाकर बता चुकी हूँ ये पैटर्न बहुत ही ईजी है तो अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुन दिखा रही हूँ देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुनकर कर दिखा रही हूँ इसे आप चाहे तो टेबल मेट भी बना सकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये तो अब मैं इसे बनाकर दिखा रही हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे बीस डिजाइन मैं बनाई हूँ तो चौड़ाई में बीस और लंबाई में भी बीस डिजाइन को मैं बनाकर और तैयार की हूँ थालपोस को तो देखिए यहाँ पर मैं अब बनाकर दिखा रही हूँ तो पहले मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ और देखिए यहाँ पर चेन बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे मैं पचास चेन कंप्लीट कर ले रही हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं पचास चेन कंप्लीट कर ली अब मैं दो चेन ऊपर से छोड़कर और तीसरे वाले चेन में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर दो चेन वन टू और फिर थ्री डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ तो पूरे सिक्स डबल कुर्सियाँ किनारे पे मैं बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पर सिक्स डबल कुर्सियाँ बन गया अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस में यहाँ पर चेन बनाकर देखिए इस तरह से नाप कर या दस चेन इसमें भी नीचे वाले में काउंट करके आप यहाँ पर मैं फिर से देखिए दस दसवें मैं चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया एक बन गया और दो चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी डिजाइन के लिए बेस तैयार कर रही हूँ नोक तो यहाँ पर देखिए एक डिजाइन के लिए बन गया हमारा नोक फिर दस चैन और फिर आप इस तरह से नाप कर भी बना सकती हैं या काउंट करके देखिए दस चेन और यहाँ पर देखिए तीन में डिजाइन को निकाली हूँ पचास चेन में तीन डिजाइन और दोनों तरफ सिक्स डबल कुर्सियाँ तो दस दस डबल क्रोशिया के बाद मैं इसी तरह से मैं बीस बनाई हूँ थाल थाल पोस में बीस डिजाइन को कंप्लीट की हूँ और तीन मैं बनाकर बता रही हूँ तो यहाँ पे सिक्स डबल कुर्सियाँ फिर से मैं किनारे पे कंप्लीट कर रही हूँ देखिए यहाँ पर तीन बन गया अब दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ तो ये डिजाइन बहुत ही इजी है फ्रेंड्स एक बार आप बहुत ही इजीली बनाकर ट्राई कीजिए बहुत ही जल्दी बन जाता है ये तो देखिए यहाँ पर अब मैं सेवन चेन बनाकर सात चेन पहले दस बनाई थी अब सात बनाकर और यहाँ पर डबल कुर्सियाँ एक और फिर ये दूसरा डबल कुर्सियाँ इसी तरह से यहाँ पर मैं आठ डबल कुर्सियाँ यहाँ पर इस नोक में बनाऊँगी तो देखिए मैं आठ डबल कुर्सियाँ यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली इसी तरह से फिर से सात चेन बनाकर और दूसरे नोक में मैं यहाँ पर आठ डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी यहाँ पर भी आठ डबल कुर्सियाँ बना ले रही हूँ तो देखिए मैं आठ इसी तरह से डबल कुर्सियाँ बनाकर और पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ तो देखिए यहाँ पर पूरे लाइन कंप्लीट कर ली हूँ और मैं आगे बुनकर दिखा रही हूँ तो यहाँ पर वन टू बनाकर चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दी और फिर से थ्री चेन बनाकर और ये सिक्स डबल क्रोशिया को मैं देखिए बनाकर कंप्लीट कर ली अब मैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर और फाइव यहाँ पर पहले दस उसके बाद सेवन चेन उसके बाद फाइव चेन उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया और वन चेन यहाँ पर मैं बनाऊंगी देखिए यहाँ पर फिर से दूसरे डबल क्रोशिया इसी तरह से मैं इस में सात डबल क्रोशिया बनाऊंगी और देखिए बीच में एक चेन दे रही हूँ तो सात डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ इस पैटर्न पे, पे मैं तोरण भी गेट पर्दा बनाकर बताई हूँ तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप बहुत ही आसानी से आप देख सकती हैं और बुन सकती हैं तो देखिए सात में डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट कर ली आप देख सकती हैं और फिर से मैं फाइव चेन बनाकर और फिर से सात डबल क्रोशिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंप्लीट करके पूरे लाइन को और दिखा रही हूँ तो मैं तीन ही डिजाइन को निकाली हूँ आप जितना चाहे डिज़ाइन को निकाल सकती हैं तो दस दस में डिजा दस दस चेन पर मैं दस चेन पे एक डिजाइन को निकाली हूँ तो इसी तरह से आप चेन लेकर डिज़ाइन को निकाल सकती हैं तो देखिए पहले मैं सिक्स डबल कुर्सियाँ बना ली और मैं वन टू थ्री थ्री चेन बनाकर और यहाँ पर एक एक होल में तीन बार मैं डबल कुर्सियाँ बनाऊंगी तो देखिए यहाँ पर दो बार हो गया है ये तीसरा बार है तो एक होल में मैं तीन बार डबल कुर्सियाँ बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पर ये दूसरे होल में तीन बार मैं बना ले रही हूँ और फिर तीसरे होल में तीन बार और बीच में वन चेन और फिर से इधर भी तीन बचा है होल तो तीन में तीन तीन बार मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ और सेम इसी तरह से पूरा मैं बुनूंगी पूरे डिज़ाइन को तो ये बहुत ही इजी है एक ही पैटर्न है इसमें और ज़्यादा कोई झंझट नहीं है तो बहुत ही इजी है ये आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें इस थाल पोस को तो देखिए फ्रेंड्स एक चेन बनाकर और फिर से मैं दूसरे डिजाइन को बुन रही हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरे डिजाइन को मैं कंप्लीट कर ली अब मैं इधर से फिर से दो चेन बनाकर और बीच में लॉक कर दे रही हूँ और फिर से मैं वन टू थ्री चेन बनाकर और सिक्स डबल क्रोशिया पहले कंप्लीट कर रही हूँ तो ये दूसरा डबल क्रोशिया ये तीसरा एक चेन था तो तीन हो गया अब दूसरा दो चेन बनाकर और फिर से थ्री डबल क्रोशिया और थ्री चेन और फिर थ्री चेन यहाँ पर फिर से मैं डिज़ाइन को निकाल रही हूँ तो फिर से यहाँ पर दस चेन मैं बनाई हूँ और देखिए बीच में एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर मैं फिर से नोक बना रही हूँ डिजाइन के लिए तो दो चेन और फिर यहाँ पर तो सिक्स डबल कुर्सियाँ और दस चेन और फिर मैं यहाँ पर दो डबल कुर्सियाँ बनाई तो ये डिज़ाइन के लिए फिर से दस चेन में बनाकर और फिर से दूसरे वाले डिज़ाइन के ऊपर देखिए नोक बना रही हूँ तो फिर से मैं डिजाइन का बेस तैयार कर रही हूँ फिर से मैं उस, इसके ऊपर डिजाइन बनाऊँगी तो इसी तरह से पूरे लाइन को मैं बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ तो देखिए मैं इस तरह से देखिए इस से मैं कंप्लीट कर ली इसी बेस पे पूरा मैं इस थालपोस को कंप्लीट क्यों देखिए कितना सुंदर ये मैं इसे चारकोनी बुनी हूँ इसे मैं गोल नहीं बनाई हूँ तो अब मैं इसे किनारे पे झालर बुन कर दिखा रही हूँ आप चाहे तो इसे इसमें झालर भी लगा सकती हैं और मैं इसे कली बुन कर दिखा रही हूँ कली बनाई हूँ किनारे पे तो आप चाहे तो झालर भी इसमें लटका सकती हैं तो मैं इसे इस तरीके से मैं इसमें झालर लगाए हूँ तो मैं बता रही हूँ तो देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कर ली उनको और यहाँ पर मैं दस चेन बना रही हूँ तो दस चेन बनाकर यहां यहाँ पर और धागे को देखिए इतना लंबा मैं खींचूंगी यहाँ पर इतना लंबा इतना लंबा खींचकर और मैं पफ बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं दस बार इस तरह से धागे को ले रही हूँ पफ बनाने के लिए आप चाहे तो इसे कम या अधिक भी ले सकती हैं ये आपके ऊपर है तो देखिए ये दस बार मैं धागे को इस तरह से ली हूँ और देखिए यहाँ पर लॉक कर रही हूँ इस तरह से धागे को और एक और चेन बनाकर और फिर से उतना ही लंबा धागे को लेकर और फिर से मैं दस बार फिर से एक पफ बनाऊँगी तो देखिए इस तरीके से फिर से मैं दस बार धागे को लेकर पफ तैयार कर ले रही हूँ देखिए यहाँ पर दस बार हो गया अब देखिए इस तरह से इसे भी मैं लॉक कर दी दो पफ तैयार हो गया अब इसे सबसे ऊपर जहाँ लॉक की थी पहले वहीं पे लेकर देखिए यहाँ से ज्वाइंट कर दे रही हूँ सिंगल क्रूसिया से यहाँ पर देखिए कितना ये इजी है और एक हमारा कली बन गया और फिर से दस चेन बनाकर देखिए यहाँ पर फिर से मैं दस चेन बना रही हूँ देखिए दस चेन बनाकर वन टू और थ्री और फोर ये सिक्स डबल कुर्सिया में फोर वाले में इस तरीके से मैं सिंगल कुर्सिया से लॉक कर दे रही हूँ तो देखिए यहाँ पर एक हमारा पंखुड़ी बनकर देखिए यहाँ पर कली हमारा तैयार हो गया तो फिर से मैं दस चेन बनाकर और फिर से सेम पैटर्न पे, पे फिर से मैं कली को बना ले रही हूँ तो देखिए इस तरीके से मैं तीन कली को बनाकर तैयार कर दी अब मैं चारों तरफ इसी तरीके से बुन ले रही हूँ सेम पैटर्न पे, पे और बुनकर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये थालपोस का डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार हो गया है एक बार इस डिजाइन को जरूर बनाकर ट्राई करें और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले डिजाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू